kids, how are you? I hope you all are fine. Your Shashilata ma'am is again with you. Welcome to EVS class. Kids, in our previous video, we have read page number 177. Today, we read page number 178. Kids, in our previous video, हमने last video में ये चीज सीखी थी कि there are different types of animals, है ना? Wild animals, domestic animals. Wild animals, those animals live in forest. और domestic animals कौन से होते हैं? जो हमारे neighborhood के पास रहते हैं, neighborhood में हम देखते हैं और जो हमारे साथ रहते हैं, है ना? There are two kinds of domestic animals, farm animals and pet animals. Today in this video we will learn about some more about animals. हम बहुत और भी चीजें सीखेंगे animals के बारे में. First of all, animals gives us food. हम सीखेंगे कि animals से, जैसे कि plants से हमें बहुत सी चीजें मिलती हैं, इस ऐसे ही animals भी हमारे लिए बहुत useful होते हैं और इनसे भी हमें बहुत सी चीजें मिलती हैं. Animals gives us food. Animals हमें क्या देते हैं? Food देते हैं. देखो कैसे? Cows, गाय, buffaloes, भैंस and goats, बकरियां. गाय, भैंस और बकरी gives us milk. ये हमें क्या देती हैं? Milk, यानी दूध देती हैं. और milk से बहुत सारी चीजें बनती हैं. क्या क्या बनता है? Curd, दही, butter, मक्खन, cheese. पनीर चीज होता है ना, एंड आइसक्रीम्स. जो आइसक्रीम है वो भी किससे बनती है? मिल्क से बनती है. आर मेड फ्रॉम मिल्क. तो देखा हमने कितनी सारी चीजें बनती है मिल्क से. और क्या बनता है? स्वीट्स भी बनती है मिल्क से, है ना. हेंस, डक्स एंड गीज. गीज होता है हंस, जो काला हंस होता है. ये तीनों हमें क्या देते हैं? हेंस यानी मुर्गी, डक्स यानी बतख, गीज यानी काला हंस. तो ये हमें देते हैं गीव्स अस एग. ये हमें एग देते हैं, अंडा देते हैं. मैनी पीपल, बहुत से लोग ईट एग्स, एग्स को खाते हैं. कौन होते हैं जो एग्स और फ्लैश खाते हैं? बताइए मुझे. यस, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, है ना. सम पीपल ऑल्सो कुक एंड ईट द फ्लैश ऑफ सर्टेन एनिमल्स. बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं जो एनिमल का फ्लैश, यानी कि जैसे गोट है, हैन है ना, जैसे हैन चिकन और गोट मीट. गोट से हमें मीट मिलता है और हैन से चिकन. तो हम इन्हें क्या करते हैं? पहले कुक करते हैं, कुक करते हैं और फिर उसे ईट करते हैं. हनी मी, हनी बीज यानी मधुमक्खियां. मधुमक्खियां गिव्स अस हनी, हमें हनी शहद देती है. हनी इज गुड फॉर अस. और हनी हमारे लिए क्या होता है? शहद हमारे लिए बहुत अच्छा होता है. एनिमल्स गिव्स अस अदर थिंग्स टू. अब आपने देखा कि एनिमल से हमें फूड मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी एनिमल से हमें बहुत सी चीजें मिलती हैं. शिप गिव्स अस वूल. शिप यानी जो भेड़ होती है, उससे हमें वूल मिलती है. उनके जो बाल होते हैं ना, स्किन होती है ऊपर की, वो वूल होती है. उनसे वूल मिलती है, हम वूल बनाते हैं स्वेटर्स. और वूल से क्या बनते हैं हम? स्वेटर्स एंड ब्लैंकेट्स. ब्लैंकेट और स्वेटर बनाते हैं. आर मेड फ्रॉम वूल. और ये किससे? स्वेटर और ब्लैंकेट से, वो वूल से बनता है. वूलन क्लोथ, जो वूलन क्लोथ होते हैं यानी ऊनी कपड़े होते हैं, कीप्स अस वार्म, हमें गर्म रखते हैं. इन विंटर्स, जब सर्दी का मौसम होता है, जब सर्दियां होती हैं, तो हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं. व्हाई? बिकॉज ये हमें वार्म रखते हैं. सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म एक इंसेक्ट कीड़ा होता है, गिव्स अस सिल्क. और इससे हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है, जिससे क्या बनती है? शर्ट्स, साड़ीज एंड स्कार्फ्स, है ना, दुपट्टा टाइप में होता है. आर मेड फ्रॉम सिल्क, इससे बनते हैं ये, सिल्क से. और सिल्क हमें किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से. लेदर यानी चमड़ा इज मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स. जो एनिमल्स मर जाते हैं,
है ना, डेड एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन से हम लेदर बनाते हैं। और लेदर से, और कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनसे हम लेदर चीजें बनाते हैं, सच एज बफलोज, भैंसे, कैमल्स, ऊंट, स्नेक्स, सांप एंड क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ, ये वो एनिमल्स हैं जिन जो मर जाते हैं और फिर इसकी स्किन से हम लेदर बनाते हैं। और लेदर से क्या क्या चीजें बनती हैं, सम शूज, जूते, बैग्स, बैग एंड बेल्ट, बेल्ट होती है ना, बेल्ट और पर्सेस, वॉलेट, बहुत सी चीजें हैं जो किससे बनती हैं, लेदर से बनती हैं। एनिमल हेल्प अस इन आवर वर्क, अब एनिमल से हमें फूड मिल गया, एनिमल से हमें बहुत सी चीजें मिली जैसे वूल, सिल्क, लेदर, और एनिमल्स हमारे लिए हमारे काम में भी, हमारे वर्क में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। ऑसन हेल्प फार्मर्स इन द फील्ड, जो बैल होते हैं वो एक किसान, वो फार्मर्स यानी किसान इन द फील्ड, फील्ड मतलब खेतों में हेल्प करते हैं। जैसे जो ऑक्सन होता है वो किसमें वर्क करते हैं, फील्ड को फ्लो करने में, है ना, खेत जोतने में काम आते हैं। कैमल्स, बुलॉक्स एंड हॉर्सेस, ऊंट, बैल और घोड़े, पुल द कार्ट्स, है ना, आपने सुना होगा कार्ट्स को पुल करते हैं, जो लकड़ी की गाड़ी होती हैं, इनके व्हील चक्र बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, टमटम भी बोलते हैं उसको, बैल गाड़ी, है ना। एलिफेंट एंड डंकीज कैरी लोड्स, एलिफेंट और डंकीज होते हैं वो हमारे लोड को कैरी करते हैं, वो लोड जो हमारे लिए बहुत हैवी होते हैं और हम उन्हें कैरी नहीं कर पाते हैं, तो हम इन दोनों का, एलिफेंट्स एंड डंकीज का यूज करते हैं, इनकी हेल्प लेते हैं के लोड को कैरी करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, हल्का सा रिवाइज करते हैं लिटिल बिट, कि आज एनिमल्स गिव्स अस फूड, एनिमल्स हमें फूड देते हैं, जैसे हैंस, बफलोज और गोट, इनसे हमें मिल्क बनता है, मिलता है, और मिल्क से बहुत सी चीजें बनती हैं, कर्ड, चीज, घी, बटर, स्वीट्स, ओके। हैंस और गोट, इनसे हमें क्या मिलता है, मीट मिलता है, और हैंस, डव एंड गीस, ये हमें एग देते हैं। और भी अदर थिंग्स है जो हमें मिलता है, शीप, शीप से हमें वूल मिलती है, इससे हम वूलन क्लोथ्स बनाते हैं, स्वेटर और ब्लैंकेट भी बनते हैं जो हमें विंटर सीजन में यूज होता है और हम अपने बॉडी को वार्म रखने के लिए इन्हें वियर करते हैं। नेक्स्ट हमें सिल्क मिलता है, सिल्क वॉर्म से इसे शर्ट, साड़ी, साड़ीज और स्कार्फ्स बनते हैं। अब लेदर, लेदर बनता है डेड स्किन, डेड एनिमल की स्किन से, जिसे शूज, बैग्स, बेल्ट, पर्सेस, ये चीजें बनती हैं। इसके अलावा भी एनिमल्स हमारी हेल्प करते हैं हमारे वर्क में, यानी कि हमारे लोड को वो कैरी करते हैं। कौन कौन कैरी करते हैं, यस, एलिफेंट एंड डंकी, और बुल, पुल को, कार्ट्स को पुल कौन कौन करते हैं, यस, कैमल, ब्लॉक्स और हॉर्सेस, वेरी गुड। इसके अलावा राइड भी करते हैं हम, है ना, कौन से, हॉर्स राइडिंग करते हैं, है ना, कैमल राइडिंग हो गया। एंड ऑक्शन क्या होता है, बैल होती है जो खेत को जोतने में काम आती है और ये किसानों की हेल्प करते हैं खेतों में। सो किड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, और आपने, आई होप कि आपने बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड पेज नंबर 178, और नेक्स्ट वीडियो में हम और जानेंगे एनिमल्स के बारे में। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।